सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। चतरा सांसद सुनील सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीलांबर पीताम्बरपुर को ऑक्सीजन युक्त 5 बेड उपलब्ध कराया। सभी बेड बीजेपी के युवा नेता चंदन सोनी एवं विक्रमादित्य दुबे ने संसद की ओर से सीएससी के प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन को दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सांसद के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सांसद द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑक्सीजन युक्त बेड एवं ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के मिले आश्वासन पर आभार जताते हुए सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दान्यपूर्ण सत्कर्म नहीं हो सकता है। इस वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे इंसान एवं स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह बेड रामबान साबित होगा। नीलांबर पीताम्बरपुर से जयलेश की रिपोर्ट। 19 के सेकेंड लहर से अस्त व्यस्त है, सारे लोग बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मेरा यही लोगों से दरख्वास्त है कि इस महामारी में लोग मतलब 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। और आज हमारे माननीय सांसद महोदय श्री सुनील जी के द्वारा हॉस्पिटल में 5 बेड और बहुत जल्द ही ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग को देंगे। वो सर का बहुत ही आभार मैं व्यक्त करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में हम लोगों को बहुत बढ़ चढ़ कर सर ने हम लोगों की मदद की, और आगे भी इसी मतलब इसी चीज़ की हम लोग कामना करते हैं कि सर बराबर हम लोग के हॉस्पिटल में दया दृष्टि रखें और हम लोग की मदद करें। कर कमलों द्वारा हमारे चतरा लोकसभा के प्रखंड लेस्लीगंज में बेड उपलब्ध कराया गया, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के नेतृत्व में राजीव सर को प्रभारी लेस्लीगंज को सुपुर्द किया गया। और जो अपने कोटे से सांसद महोदय जी का जो राशि दिया गया है उससे अलग हटकर ये बेड का व्यवस्था किया गया है सांसद महोदय जी के निर्देशानुसार।